हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी F04 फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी F04 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में पावर बटन एंड कॉल ऑप्शंस हैं, तो पावर बटन एंड कॉल ऑप्शंस को आप ऑफ कैसे कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी F04 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और कैसे पावर बटन एंड कॉल ऑप्शंस को आप कैसे ऑफ कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि पावर बटन एंड कॉल ऑप्शंस को ऑफ कैसे कर सकते हैं रेडमी सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स आपके फ़ोन में शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप पावर बटन एंड कॉल ऑप्शंस को ऑफ कर सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो आपको सर्च करना है, प्रेस साइड की एंड कॉल ऑप्शन। तो प्रेस साइड की एंड कॉल ऑप्शंस आपके फ़ोन में आ जाएगा, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली ऑफ करते हैं तो पावर बटन एंड कॉल ऑप्शंस आपके फ़ोन में ऑफ हो जाएगा, और कॉल्स को एंड होने से भी रोक सकते हैं। तो इस तरीके से पावर बटन एंड कॉल ऑप्शंस को ऑफ कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में, इसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। एंड आप इसको ऑन करते हैं तो कॉलिंग्स को एंड कर पाएंगे पावर बटन के जरिए, एंड ऑफ़ करते हैं तो इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। एंड आप कॉलिंग आंसर को भी ऑफ कर सकते हैं, जिससे आप कॉलिंग को पिक नहीं कर सकते वॉल्यूम बटन के जरिए, और ऑन करते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए और वीडियोस को शेयर करें, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। थैंक यू। वीडियोस लगी तो